ऑटो एक्सपो की 3 साल बाद वापसी ही हुई और इस बार यहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों और एसयूवीज पर सबसे अधिक फोकस देखने को मिला। ऑटो एक्सपो में पहले दिन मारुति और ह्यूंडई ने इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट्स लॉन्च करके देश के सामने भविष्य की कारों की झलक पेश कर दी। एशिया के सबसे बड़े गाड़ियों के मेले ऑटो एक्सपो का बुधवार से ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में आगाज हो गया है। इसके 16वें एडिशन को द मोटर शो नाम दिया गया है। एक्सपो में सबसे पहले मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट ईवीएक्स पेश की। इसके बाद एमजी मोटर्स ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक एमपीवी यानी मल्टीपर्पस व्हीकल लॉन्च की है। मारुति यहां फ्लेक्स फ्यूल वाली वैगनार भी लेकर आई जो 80% तक एथेनॉल मिक्स्ड ईंधन से चलेगी। लेकिन शो के पहले दिन का आकर्षण रहे शाहरुख खान, जो ह्यूंडई की इलेक्ट्रिक एसयूवी आयनिक 5 को लॉन्च करने आए। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ह्यूंडई मोटर्स की इस प्रीमियम कार की बात करें तो इसमें 72.6 किलोवाट की बैटरी पैक है। ये बैटरी 214 BHP का पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। फुल चार्ज होने पर इस एसयूवी में 631 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। कंपनी का दावा है कि आयनिक 5 महज 18 मिनट में 80% चार्ज हो जाती है। इसके लिए 350 किलोवाट का डीसी चार्जर इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 44,95,000 रुपए रखी है। इवेंट की शुरुआत मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट ईवीएक्स के साथ हुई। इमेजिनेक्स्ट विजन के साथ लाई गई इस कार को लेकर कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में ईवीएक्स 550 किलोमीटर चलेगी। कंपनी ने इसके प्रेजेंटेशन में मेटावर्स का इस्तेमाल किया है। मारुति का दावा है कि सुजुकी की बनाई नई एसयूवी में परफॉर्मेंस के साथ एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी ने इलेक्ट्रिक एसयूवी प्रोडक्शन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान भी किया है। एमजी मोटर्स ने ऑटो एक्सपो में दुनिया की पहले इलेक्ट्रिक एमपीवी पेश की है। मीफा 9 नाम की इस एमपीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कार 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 4 सेकंड में पकड़ लेती है। मौजूदा ग्लॉस्टर एसयूवी के साथ ये एमजी के लाइनअप में सबसे बड़ी कार है। कंपनी के मुताबिक ये कार सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। इसके साथ ही एमजी ने ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक एसयूवी एमजी 5 भी लॉन्च की है। इस गाड़ी पर सिंगल चार्ज में 525 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। ये गाड़ी एमजी की मौजूदा एस्टर एसयूवी पर बेस्ड नजर आ रही है। एमजी मोटर्स ने ऑटो शो में अपनी प्रीमियम कार हेक्टर का फेसलिफ्ट वर्जन भी पेश किया है। इस मॉडल में कंपनी ने 11 नए फीचर्स देने का वादा किया है। इसमें 11 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। कंपनी ने 5 और 7 सीटर मॉडल के अलग अलग वेरिएंट की कीमत 15 लाख रुपए से लेकर 22 लाख रुपए तक तय की है। आज तक ब्यूरो।